देखिए आज सबसे पहले मैं एक पंक्ति बोलना चाहता हूँ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे पो 80-90 पूरे 100। आज 100 रुपए से महंगा भारत देश में तेल हो चुका है, और तेल किस सरकार ने किया है? ये वो बीजेपी सरकार है। जब कांग्रेस में 50 रुपए का तेल बिकता था तो ये सड़कों में आ जाते थे सिलेंडर लेके, प्याज के हार पहन के, और आज 100 रुपए से पार है पेट्रोल। जब तो कहाँ है बीजेपी के नेता, किस बिल में छुपे हुए हैं? और मैं बताना चाहूंगा, जब कांग्रेस के समय डीजल 30 रुपए का मिलता था, उसका कारण ये था, 1 लीटर जब भारतीय डीजल खरीदता था तो 3 रुपए टैक्स देना पड़ता था। आज 1 लीटर डीजल जब भारतीय कोई खरीद रहा है तो उसको 3500 रुपए टैक्स देना पड़ता है। इतनी मार जनता के ऊपर क्यों डाल रही है बीजेपी, क्या परेशानी है? हाय, मैं सना हूँ और मैं जम्मू 99 से हूँ, और यहाँ पर आप आएंगे तो आपको बहुत सी सारी चीज़ें आपको 99 और 199 में मिलेगी। जैसे ये कॉस्मेटिक है, कॉस्मेटिक बाज़ार में आपको सिंगल पीस 100, 200, 500, 600 ऐसे मिलता है, और यहाँ पे हम आपको 99 और 199 में आपको दे रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि हम ये आपको 199 और 99 में हर चीज़ प्रोवाइड करें। लेडीज़ फुटवेयर भी हम आपको 99 और 199 में प्रोवाइड करेंगे। या जब आप यहाँ पे विज़िट करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। नियर पुलिस स्टेशन हमारा जानीपुर में हमारी लोकेशन है, आप यहाँ पे आएँ और यहाँ पे प्लीज़ आके एक बार विज़िट करें। थैंक यू। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं स्पिरिट न्यूज के साथ और मैं हूँ वंदना मलिकाई लायर। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कोई कह रहा है कि पेट्रोल डीजल तुम आगे बढ़ो, एलपीजी कह रहा है कि हम तुम्हारे साथ हैं, और वही यहाँ पर इनका कहना है कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100, यानी पेट्रोल के दाम अब 100 होते हुए देर नहीं लगेगी। यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक बड़े प्रदर्शन को किया जा रहा है, आप इन तस्वीरों में देखिए। किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है और इनके कई तरह के स्लोगन्स हैं। कुछ दिनों बाद पेट्रोल पंप पर लिखा मिलेगा आप पर बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100। साथ साथ इन्होंने लिखा है कि पेट्रोल और डीजल में लगी हुई है आग। अब देखिए, और पेट्रोल पहुंचा 100 के पार, क्या कर रही है ये निकम्मी सरकार? क्या वाकई में ये निकम्मी सरकार है जिनके चलते 100 तक पेट्रोल और डीजल हो चुका है? और बात करें अगर एलपीजी की, तो एलपीजी के दाम भी आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। आप यहाँ पर देखें तो हर कोई पार्टी जो है इसके खिलाफ है, और हम आम जनता के पास जाकर भी बातचीत करेंगे कि आखिर वो किस तरह से इस बात को लेते हैं। चलिए, अगर पार्टीज की बात करें, पॉलिटिशियन पार्टीज की, तो हम ये सोच सकते हैं कि वो हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन आम जनता से भी कहीं ना कहीं बात करेंगे। पेट्रोल हो गया 100 के पार, मोदी सरकार, मोदी सरकार। देखिए आज सबसे पहले मैं एक पंक्ति बोलना चाहता हूँ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे पो 80-90 पूरे 100। आज 100 रुपए से महंगा भारत देश में तेल हो चुका है, और तेल किस सरकार ने किया है? ये वो बीजेपी सरकार है। जब कांग्रेस में 50 रुपए का तेल बिकता था तो ये सड़कों में आ जाते थे सिलेंडर लेके, प्याज के हार पहन के, और आज 100 रुपए से पार है पेट्रोल। जब तो कहाँ है बीजेपी के नेता, किस बिल में छुपे हुए हैं? और मैं बताना चाहूंगा, जब कांग्रेस के समय डीजल 30 रुपए का मिलता था, उसका कारण ये था, 1 लीटर जब भारतीय डीजल खरीदता था तो 3 रुपए टैक्स देना पड़ता था। आज 1 लीटर डीजल जब भारतीय कोई खरीद रहा है तो उसको 3500 रुपए टैक्स देना पड़ता है। इतनी मार जनता के ऊपर क्यों डाल रही है बीजेपी, क्या परेशानी है? जनता से पैसे खींच के अपने फंडर्स अडानी अंबानी की जेबें भरना चाहते हैं, ये नहीं चलेगा। एक तरफ जम्मू कश्मीर की कमर तोड़ चुके हैं ये, जब से 1.5 साल से यहाँ ना तो एम्प्लॉयमेंट रही, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं जो लोग परेशान नहीं है, सड़कों में नहीं है, टूरिज्म खत्म कर दिया, और प्रॉपर्टी टैक्स का एक और हथौड़ा हमारी पीठ में मार दिया गया है। ये जम्मू कश्मीर के लोग और जम्मू के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, इनको पेट्रोल सस्ते करने पड़ेंगे, और जो प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पे जो गंदा नाच बीजेपी सरकार खेलना चाहती है, वो जम्मू का डोगरा बर्दाश्त नहीं करेगा, और जब तक ये पीछे नहीं होता, यूथ कांग्रेस सड़कों में रहेगी।
प्रदर्शन को किया जा रहा है। हालांकि अगर बात करें पॉलिटिकल पार्टीज की तो लगातार उनकी तरफ से प्रदर्शन किए जा रहे हैं कि आखिर डीजल और पेट्रोल के दामों को क्यों बढ़ाया गया है। साथ साथ एलपीजी की भी बात करें तो एलपीजी के दाम भी जो है ऊंचाइयों को आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। वहीं अगर सरकार की बात करें तो सरकार टस से मस नहीं हो रही है। लगातार सरकार जो है जनता को इस तरह की मार जो है वो दे रही है। तो इस पर सरकार को जरूर कोई ना कोई निर्णय लेना चाहिए, इनिशिएटिव लेना चाहिए ताकि लोगों को कहीं ना कहीं आराम मिले। आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम लोगों को, आम जनता को कहीं ना कहीं इससे निजात मिल सके। तो आप ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहे स्पिरिट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे वंदा मलकाई नायर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।